Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss some verbs which are not used in continuous tense. कुछ ऐसी verbs का discuss करेंगे हम आपके साथ में जिनका प्रयोग continuous tense में नहीं किया जाता है बल्कि indefinite tense में किया जाता है. Let us start. कुछ ऐसी verbs होती हैं जिनका अर्थ हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहा था, रहे थे, रही थी, जैसे आदि शब्द आते हैं और ये पहचान कंटिन्यूस की होती है, लेकिन इनका अनुवाद इंडेफिनिट में होता है. यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं. ये वर्ब्स तीन प्रकार की होती हैं जिनका इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, कंटिन्यूस में नहीं, भले ही हिंदी वाक्य की पहचान कंटिन्यूस की आ रही हो. नंबर वन पर है वर्ब्स ऑफ दिस सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां. हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल. नेक्स्ट है नंबर टू वर्ब्स ऑफ द मेंटल एक्टिविटी, जिनमें मानसिक क्रिया होती है, इसे नो, forget, remember, understand, doubt, etc. verbs of feelings, love, like, dislike, hate, respect, wish, want, prefer, etc. let us see the examples regarding these verbs. first example hum lete hain verbs of the senses. मुझे जमीन पर पड़े या पड़े हुए कुछ सिक्के दिख रहे हैं. मींस हिंदी में तो हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कैसे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जमीन पर पड़े हुए कुछ सिक्के देखता हूँ. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस में है. आई सी some coins. अब देखिए यदि होता जमीन पर तो on the ground आ जाता, लेकिन अब पड़े या पड़े हुए तो ये हमारा present participle है. lying, पड़े हुए, on the ग्राउंड, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो रहा, रही, रहे, ता हुआ, ती हुई, ए हुए, ई हुई को का हिंदी अर्थ आता है. तो इट मीन्स आई सी सम क्वाइंस विच आर लाइंग ऑन द ग्राउंड. तो ये कंटिन्यूस को शो कर रहा है, ये यहां नहीं, ये नहीं कंटिन्यूस, ये पड़े हुए. मैं कुछ सिक्के देखता हूँ जो जमीन पर पड़े हुए हैं. तो जो हैं को निकाल दिया, केवल पड़े हुए जमीन पर लिखा हुआ है. विच आर यहाँ अंडरस्टूड है. ये अंगूर ज़्यादा मीठे लग रहे हैं, और मीठे कैसे लगेंगे, टेस्ट करेंगे ना. तो दीज grapes taste ज़्यादा मीठे, sweet मीठे होता है, और ज़्यादा मीठे sweeter. next है यह कंबल बहुत खुरदरा लग रहा था. वह कंबल हम देख कर आ गए और हम बोल रहे हैं वह कंबल तो बड़ा खुरदरा लग रहा था. क्या है दैट ब्लैंकेट फेल्ट वेरी
रफ। उसकी सांस से प्याज की गंध आ रही है। कोई प्याज खा का आया तो हम कहते हैं इसके मुंह से बड़ी प्याज की गंध आ रही है। तो क्या आएगा, गंध आ रही है मतलब सूंघ रहे हैं तभी तो हमें महसूस हो रहा है। तो हिज ब्रीद स्मेल्स ऑफ ऑनियन, स्मेल्स ऑफ ऑनियन लिखा जाएगा। क्या तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है? सुनने के लिए हियर आता है, इंटरोगेटिव है, क्या आएगा, डू यू हियर, क्या तुम सुनते हो किसी बच्चे को, डू यू हियर ए चाइल्ड, ठीक है, रोते हुए चाइल्ड। वीपिंग, डू यू हियर ए चाइल्ड वीपिंग, मैं उसकी चाल समझ रहा हूं, समझना समझता हूं, अंडरस्टैंड। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होने का, क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। हिज ट्रिक्स, उसकी चाल। ये सारे सेंटेंस कंटिन्यूस में लिखे हुए हैं हिंदी में, अगर हम इसको इंडेफिनिट में लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कंटिन्यूस में है तो बनेंगे इंडेफिनिट में ही, और इंडेफिनिट में लिखे हुए हैं तो इंडेफिनिट में ही बनेंगे। जैसे मैं उसकी चाल समझता हूँ, या मैं उसकी चाल को समझता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड हिज ट्रिक्स। वह भूल रहा है कि मैंने उसे पढ़ाया है, भूल रहा है या भूल जाता है, तो क्या होगा, ही, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही फॉरगेट्स। दैट आई हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, I have taught him, जहां जैसे टेंस वैसे ही अनुवाद करेंगे, मुझे तुम्हारा नाम याद आ रहा है, remember, I remember your name, मुझे तुम्हारी, मैं तुम्हारी आदत जान रहा हूं, means मैं आपकी आदत जानता हूं, क्या होगा, I know your habit, छोटा भाई इस कमीज को खरीदना नहीं चाह रहा है, छोटा भाई इस कमीज को खरीदना नहीं चाह रहा है, चाह रहा, वांट मींस छोटा भाई इस कमीज को खरीदना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है प्रेजेंट टेंस हो गया, यंगर brother does not want, खरीदना इन्फिनिटिव है, to buy इस कमीज को, this shirt, गुरुजी नम्र लग रहे थे,
आए और चले गए। घर कह रहे भाई गुरुजी तो नम्र लग रहे थे, विनम्र लग रहे थे। तो इसमें लुक का प्रयोग होगा, दी टीचर लुक्ड पोलाइट, या जेंटल प्रयोग कर सकते हैं। क्या इस पर्दे का रंग चटक नहीं लग रहा है, मतलब दिख रहा है, मींस दिख रहा है, तो क्या आएगा, डज प्रेजेंट में है, डज द कलर ऑफ दिस कर्टेन नॉट लुक ब्राइट। चटक के लिए ब्राइट आएगा। अब देखिए यहां पर इस पर्दे का रंग, ठीक है, ऐसे मोहन का रंग, मोहन्स कलर, इस पर्दे का रंग, दिस कर्टेन्स कलर, ऐसे प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये बेजानदार चीज है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जानदार सजीवों के साथ होता है, निर्जीवों के साथ नहीं। क्या होगा, रंग द कलर, का के लिए ऑफ आएगा, दिस कर्टेन, तो डज द कलर ऑफ दिस कर्टेन नॉट लुक ब्राइट, चटकने के लिए क्या आएगा, चटक, ब्राइट का प्रयोग किया गया है। मुझे उस दुष्ट व्यक्ति से घृणा हो रही थी, हेट का प्रयोग होगा, पास्ट टेंस में है, क्या होगा, आई हेटेड दैट, उस डिमोस्टेटिव एडजेक्टिव है, दैट विकेड, ये दूसरा एडजेक्टिव है, मैन, आई हेटेड दैट विकेड मैन, उसे मुझ पर संदेह नहीं हो रहा था। हमने कोई प्लानिंग करी और उसको हमने किसी के सामने रखा और वो झूठी थी, तो उस बात पे कह रहा है ये मी, उसे मुझ पर संदेह नहीं हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव है लेकिन बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही डिड नॉट डाउट मी, वह चाय से ज्यादा दूध पसंद कर रही है, मीन्स वह चाय से ज्यादा दूध पसंद करती है, कर रही है, कहते हैं आजकल तो वो दूध ज्यादा पी रही है, चाय नहीं पी रही है, तो हम कहते हैं वह चाय से ज्यादा दूध पसंद कर रही है, प्रेजेंट में है, सी अधिक पसंद करने के लिए प्रीफर आता है, सी प्रीफर्स मिल्क। देखिए तुलना हो रही है, प्रीफर का मीन्स होता है वरीयता देना या ज्यादा पसंद करना, और इसके बाद में तुलना हो रही है, लेकिन टी एच ए एन देन का प्रयोग नहीं होता है, प्रीफर के बाद टू का प्रयोग होता है तुलना करने के लिए, सी प्रीफर्स मिल्क टू टी। छोटा बच्चा इन खिलौनों को क्यों नहीं पसंद कर रहा है, पसंद कर रहा है, इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है, तो वाई प्रेजेंट में है, वाई डज दी लिटिल चाइल्ड
not like these toys. Why does the little child not like these toys? तो like verb continuous में नहीं indefinite में प्रयोग होती है. Next है, माता अपने बच्चे को कैसे प्यार कर रही है. प्यार करने के लिए लव आता है. प्रेजेंट इस सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव है क्योंकि इसमें कैसे आ रहा सेकंड टाइप बनेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे के लिए हाउ. मदर के अनुसार डज आएगा. हाउ डज मदर लव हर चाइल्ड क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट लास्ट है, वह ग्राहक इस कमीज को ना पसंद कर रहा था. पसंद नहीं, ना पसंद कर रहा था. ना पसंद के लिए डिसलाइक आता है. तो दैट कस्टमर disliked this shirt. Okay, इस प्रकार से वे कौन सी verbs हैं जो continuous में प्रयोग नहीं होती हैं बल्कि indefinite में होती हैं, इसके लिए हमें learning work करना पड़ेगा. जब हम भूल जाएंगे तो हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, गलती होगी. तो इसलिए याद करने के बाद उन्हें माइंड में रखना महत्वपूर्ण होता है. जितना काम महत्वपूर्ण याद करने का है उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है उस याद किए हुए को अपने माइंड में रखना, उस लर्निंग वर्क को मेंटेन करना, रिटेन करना. ठीक है, ये भी एक कार्य है. उसके लिए समय समय पर रिवीजन की आवश्यकता होती है. हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है दो चार दिन के बाद वह सारा का सारा माइंड से स्लिप हो जाता है और एक दो बार की स्टडी बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं होती है. ये बात ध्यान रखना. बार बार अध्ययन चाहिए, रिवीजन चाहिए, सेल्फ स्टडी चाहिए. इस आशा के साथ थैंक यू, बाय बाय.